इट्स नॉर्मल। ओके फाइन गाइस, चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोशिश करते हैं क्लास को रिकॉर्ड करें और आपको कुछ चीज़ें सिखाते हैं, जो छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स हैं उसको करते हैं। और ये माइक में प्रॉब्लम है कि माइक के अंदर एक ऐसे आता है ना कुछ लगा हुआ, देख रहे ये सर अब ठीक है, ये गया वो सर बबल, इस वजह से प्रॉब्लम है, देखते हैं। बाकी तो ये बेहतरीन है, जो बिगेस्ट हेडफोन। चलिए शुरू करते हैं, आइए 3 2 1 एंड हियर वी गो। सबसे पहले हम गेट की बात करेंगे आज, छोटा मोटा आइटम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए गेट के कई मतलब होते हैं दोस्तों। सबसे पहला मतलब होता है गेट का, इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। कैसे देख लीजिए, सपोज दैट कि एक व्यक्ति है, सपोज देर इज अ गर्ल, एक लड़की है, ये इसका प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम, और इस वक्त लड़की खुश है, तो ये इसका एक स्टेट हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया कि लड़की भाई क्या है, खुश है, यू नो खुश है लड़की। तो क्या जब आपकी नजर पड़ी, सपोज आपने जब इस लड़की को देखा, तो आपको लड़की किस अवस्था में लगी, खुश अवस्था में लगी। क्या ये लड़की आपके आंखों के सामने खुश हुई, नहीं नहीं पहले से थी जब आपकी नजर पड़ी ये खुश थी। अब ये अगर आपके आंखों के सामने ये उदास हो जाए तब तो आप कह सकते हैं ना कि उदास हो गई, तब तो कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब आपकी नजर पड़ी लड़की थी खुश, आपको नहीं पता ये कब खुश हुई, लेकिन अचानक अगर ये सैड हो जाए आपके आंखों के सामने, तो इसके स्टेट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, देखिए हुआ ना। yes, इसीलिए कहते हैं चेंज इन स्टेट। तो अगर स्टेट में चेंज होता हुआ दिखे तो वहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है, गेट की जरूरत पड़ती है, उस चेंज को दिखाने के लिए। कैसे, फॉर एन एग्जांपल, एक लड़का आया और उसने इस लड़की से कहा कि सुनो सुनो तुम्हारे भाई का ना एक्सीडेंट हो गया, अब क्या ये खुश रहेगी, नहीं रहेगी ना, अभी क्या हो गई, खुश थे तुरंत उदास हो गई, हो सकता है ये सदमे में चली गई, बहुत सारी चीजें हो गई। तो अब जैसे अब आप वहीं पर खड़े हो, आपने इस लड़की को खुश देखा, आपकी आंखों के सामने एक लड़का आया, इसने बोला तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, अब ये तुरंत उदास हो गई, मतलब क्या हो गया, अवस्था में चेंज हो गया। तो इस चेंज को दिखाने के लिए अब अंग्रेजी में कैसे बोला जाएगा, आप कैसे कहानी सुनाओगे, अब आप पूरी कहानी ऐसे सुना रहे हो, मैं कहानी सुना के दिखाता हूँ आपको, बाकी जिस ऑडियो में प्रॉब्लम है ऑडियो ऑफ कर लीजिए, चो 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 आवाज आ रही है वो सही नहीं है। देखिए अब आप कह रहे हो कि कल मैं एक लड़की के घर गया, तो कैसे बोलोगे, यस्टरडे आई वेंट टू अ गर्ल्स होम। ओके गर्ल्स होम, चलो होम कर देते हैं, गर्ल्स होम। आपने बोला वो खुश थी, शी वाज हैप्पी। अचानक एक लड़का आया सडनली और उसने कहा एंड ही तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, योर ब्रदर एक्सीडेंट, ठीक है। अब मुझे कहना है कि अचानक वो लड़की उदास हो गई, तो अचानक अब देखिए बस ठीक, अब मेरी बारी, अब मैं कहता हूं सडनली शी, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि शी वॉज सैड तो ये गलत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो चेंज दिखाना है ना इसमें, अगर मैं वॉज लगा दूं तो क्या चेंज होता हुआ दिखाई देगा, नहीं देगा, यू नो। तो हमें तो उसे खुश से उदास में परिवर्तन होते हुए दिखाना है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, गेट की, और गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, सो शी गॉट सैड। तो अब पता चला कितने कमाल की चीज है गेट, जो है बहुत बेहतरीन आइटम है ये, इसको यूज समझिए, लाजवाब आइटम है। अब
कहाँ कहाँ परिवर्तन ये दिखा सकता है? और देखिए, मान लीजिए कि एक लड़का है, अब ये लड़का अभी कुछ दिन पहले ये लड़का कुंवारा था, कुंवारा क्या बोलते हैं, अनमैरिड, अनमैरिड, बैचलर, सिंगल, बहुत सारे वर्ड है ना इसके, ठीक है, और कल इसकी शादी हो गई, तो ये कुंवारा था, इसकी अवस्था क्या थी, कुंवारा ये अवस्था थी ना इसकी, ये जरा चोंचे बंद करेंगे, कहीं तो आवाज आ रही है, इट्स नॉट गुड, ये अच्छा 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 नीना जी, तो आप ही क्यों से आ रहे हैं, अनमैरिड था तो मैं बोलूंगा कि दिस बॉय वॉज अनमैरिड, तो ये इस वॉज के अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, सिर्फ इसकी स्टेट ऑफ बींग दिख रही, कैसा था, कुंवारा था। अब मैं बोलूंगा कल इसने शादी कर ली, तो शादी कर ली मतलब अवस्था बदल गई, तो मैं क्या बोलूंगा, ही गॉट मैरिड, ही गॉट मैरिड यस्टरडे, तो इसीलिए हम ये गेट का इस्तेमाल करते हैं, खूब गेट मैरिड, गॉट मैरिड तो खूब सुना होगा। अच्छा इसमें कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि सर गॉट सेकंड फॉर्म है, इसके साथ फिर आपने थर्ड फॉर्म क्यों लगा दिया, ये भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है, तो मैंने कुछ नहीं लगाया यहाँ पर, आप देख लीजिए ये जो गेट है, हम गेट को परिवर्तन के लिए लगाएंगे, लेकिन गेट के बगल में कौन आ सकता है, गेट के बगल में सबसे ज्यादा एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। अब ये एडजेक्टिव या तो आप नॉर्मल वाला यूज करोगे या वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला यूज करोगे, तो V3 भी एडजेक्टिव ही होगा। तो अब हम शालिनी के सवाल का जवाब देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसा बोलू, जैसे बोलू कि कल मैं पार्क गया अपने दोस्त के साथ, मेरा दोस्त बहुत ही एनर्जेटिक था, वो खेलने लगा और खेलने के बाद अचानक वो थक गया, तो आप मुझे बताइए कि वो एनर्जेटिक था, ये उसकी अवस्था थी ना, है ना, yes, मैं बोलूं कि yes, मैं अपने दोस्त के साथ पार्क गया, आई वेंट टू पार्क विद माई विद माया, आजकल विद की जगह आजकल ये चला है ना अलोंग विद, है Along with, I went to park with along with my friend. वो energetic था, he was energetic. वो कुछ लड़कों के साथ खेलने लगा, he started playing with some boys. और वो थक गया, and he got tired. अब अगर कोई कहता है सर ये गॉट क्यों लगा, अरे भाई अवस्था बदल गई ना, एनर्जेटिक से किस अवस्था में पहुंच गया, टायर्ड अवस्था में, अब तो अवस्था में जो परिवर्तन दिखाएंगे, पहले था एनर्जेटिक अभी हो गया टायर्ड, वो जो परिवर्तन हुआ ना हो गया, उसके लिए हमें क्या बीच में लगाना पड़ा, गॉट, ये लगाना पड़ा, गॉट टायर्ड। अब मैं बता रहा हूँ सर, सर कहीं गॉट की जगह हम ऐसे यूज कर, ही बिकेम टायर्ड ऐसे बोल सकते हैं, जी 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 बोल सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के लिए गेट का ही इस्तेमाल करें, बिकम वगैरह नाउन के लिए आते हैं, ही बिकेम अ टीचर, यू नो, तो नाउन दिखाना हो तो बिकम, और एडजेक्टिव ज्यादा दिखाना हो तो गेट। सर प्लीज एक क्वेश्चन और बता दीजिए, बी और बिकेम में कुछ ज्यादा अंतर है क्या? ठीक है, मैं वो भी कर रहा था, आज इसका नाम ही हमने रखा है मिक्स्ड, आज डाउट करते हैं। चलिए तो पहले गेट को मैं बिल्कुल बारीकी से समझा दूं, तो अब अगर मैं बोलूं कि देखो जैसे कि इसकी अवस्था बदलती हुई दिख रही है, देखो ये थक रहा है, बदल रही अवस्था, और ये थक गया, getting. तो थक रहा है मतलब he is getting tired. तो जैसे मैं गेटिंग बोलूंगा इट मीन्स कि अवस्था बदलती हुई दिख रही है, हर पल बदल रही है, यू नो, गेटिंग टायर्ड मतलब हो रहा है और फाइनली हो गया तो he got tired. तो उसी तरीके से अगर कोई लड़का है चुप है शांत है, अब मैं कह रहा हूँ कि देखो एक्साइटेड हो रहा है, देखो हो रहा है, तो मैं कैसे बोलूंगा, ही इज गेटिंग एक्साइटेड। तो बताइए एक्साइटेड से याद आया, अगर वो रोमांटिक हो रहा है तो
Yes, परिवर्तन बदल रहा है जी, मतलब परिवर्तन अवस्था बदल रही, परिवर्तन हो रहा है. He is getting romantic. It means कि romantic होने से पहले हो सकता है वो boring हो, पहले वो शांत हो. मैं बोलूँ ना कि अगर मैं स्टोरी सुनाऊँ कि कल मेरे वो बड़े शांत थे, तो yesterday my husband was क्या बोलूँ, शांत का क्या दिखाऊँ, काम दिखा दो. काम, ओके. यस्टरडे माई हस्बैंड वॉज काम, ओके. मैं उनके पास गई, आई वेंट टू हिम, और मैं उनसे बातें करने लगी. एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम. फिर हम दोनों एक दूसरे को निहारने लगे. वी then we started निहारने. क्या होता है, एक वर्ड आता है ना, gaze है ना, gazing. सर gaze को देखना, प्यार से निहारना है, गुस्से से निहारना है, एक बार देखना जरा. सर gaze गुस्से वाला होता है, छेड़ने वाला होता है. वो सर छेड़ने वाला है. यस सर, gaze तो छेड़ना नहीं, staring नहीं बोल सकते सर. staring सर घूमने वाला होता है, staring तो gaze. तो गेज गुस्से वाला है. तो फिर ग्लेयर, ग्लेयर देखना, ग्लेयर कैसा है, ग्लेयर. मुझे लगता है ग्लेयर गुस्से वाला होगा, गेज प्यार से होगा यार, ग्लेयर गुस्से वाला होना चाहिए. देखना एक बार, ग्लेयर गुस्से वाला होता है, गेज तो नॉर्मल है. गेज सर क्या टू वर्ड से यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, एट में लगा सकते हैं. तुम गेज लगाओ यार, ग्लेयर गुस्से वाला होता है, आई एम श्योर. अच्छा अगर कंफ्यूजन है, लुक लगा दें, छोड़ो बाद में ढूंढ लेना. दो वर्ड आप लोग ढूंढिएगा जरा, एक ग्लेयर ढूंढना है आपको, और एक क्या ढूंढना है, गेज ढूंढना है. पर देर तक स्थिर दृष्टि से देखना, टकटकी लगाकर देखना, एक टक देखना. ओके, मैं चाहता हूँ उसके इंग्लिश वर्जन देखे, कहीं पर एंग्री लिखा है, ग्लेयर वाले में अगर एंग्रीली लिखा होगा तो गुस्से वाला हो जाएगा. गाइज मैं अगर ढूंढूंगा तो फिर सारा पेज इधर उधर करना पड़ेगा. ग्लेयर आप लिख नहीं सकते गूगल पे, लिखिए ना सर. ग्लेयर में सारा एनी सब्सटेंस रिसेम्बलिंग लाइक वाइट ऑफ एग्स व्हेन यूज एज साइज अदर ग्लेयर. अरे कॉलिन में ढूंढो भाई, vocabulary.com में ढूंढो. कॉलिन में सर, कॉलिन में ही कर रहा हूं मैं, GLAIR ग्लेयर का. सर हियर ग्लेयर मींस इन नाउन गेज, सपोज स्टेयर, ग्लेयर, गेज, कंजंक्चर. ग्लेयर में कहीं पर एंग्री या एंग्रीली कहीं लिखा ही नहीं है. मुझे हिंदी में मिला सर, क्रोध वर्ड. क्रोध मिला ना. हाँ. आप लोग दुनिया की किस गूगल में ढूंढते, मुझे समझ में नहीं आता. ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से से देखना. मिल गया, तो ग्लेयर मत लगाइए. रोमांटिक होना गुस्से से क्यों देखेगा बेचारा, गेज लगाइए. ठीक है, तो देन we started gazing, आराम से यूज कीजिए gazing. We started gazing at each other. हम एक दूसरे को देखने लगे, you know, gazing at each other. Okay. Suddenly वो romantic होने लगे. Suddenly he started getting romantic. बस मुझे इतना दिखाना था बस. तो अब समझ में आ रहा है मैंने getting क्यों लगाया, क्योंकि मैंने वो कंटिन्यूटी दिखाया. वो रोमांटिक हो रहे अचानक नहीं हुए, वो होते हुए दिखे, है ना, रोमांटिक होते हुए दिखे और हाँ फाइनली रोमांटिक हो गया. सर आई हैव अ कंफ्यूजन. बिफोर वर्ब वी कैन यूज ट्रू, बट हियर बिफोर प्रोनाउन वी कैन यूज टू. किधर लगा भाई, किधर टू लगा? आई वेंट टू हिम and I started talking to him. चलिए इनके भी सवाल का जवाब दिया जाए. आइए भाई, अभी देते हैं. I go to school. School is also a noun. You can use him also before. अरे वो मेरे से पूछिए, तो जब तक मैं जवाब नहीं दूंगा सेटिस्फाइड नहीं हो सकती ना. मुझसे पूछा है तो मुझे देने दो, बट पहले मैं ये गेट को एक बार क्लियर कर दूं, साइड लगा दूं. चलिए तो अब बताइए, बहुत ध्यान से देखिए. इतना तो आपको पता चल गया कि कुछ एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म वाले होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना. है ना,
जैसे कि शॉक्ड, जैसे कि सरप्राइज्ड, जैसे कि एजुकेटेड, जैसे कि एक्साइटेड, जैसे कि बर्नड, और कुछ इंजर्ड, सरप्राइज लिखा ना, लिख दिया सरप्राइज, एडवाइज्ड। देखिए अभी रुक जाइए, ये सब नहीं, क्योंकि कंफ्यूज्ड कह सकते हैं सर। आस्क्ड नहीं, नहीं 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 नहीं, मतलब हर वर्ब को नहीं बना सकते ना, इसमें देखना पड़ता है। ब्रोकन कह सकते हैं, पूरी इसकी लिस्ट आती है, थर्ड फॉर्म वाले की लिस्ट आती है। ब्रोकन हो सकता है, और क्या हो सकता है? टॉर्न, हाँ टॉर्न हो सकता है, फटा हुआ टॉर्न हो सकता है, और स्कैटर्ड हो सकता है, बिखरा हुआ, इंजर्ड, वो लिख दिया, इंजर्ड लिख दिया। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें मैरिड भी आ गया, ओके, डाइवोर्स भी आ गया, स्केयर्ड भी आ गया, फ्राइटेंड भी आ गया, फ्राइटेंड, और क्या क्या हो सकता है, वैंडलाइज्ड, कौन सा, वियर्ड, फियर्ड, फियर्ड, अच्छा फियर्ड, डरा हुआ है, फियर्ड, डरा हुआ, अच्छा वो तो उसके कई वर्ड तो लिखी दे, स्केयर्ड, फ्राइटेंड लिखी हुआ। देखिए गाइस, तो मैं बस इतना समझा रहा हूँ कि V3 वाले एडजेक्टिव है, तो आपको ये तो पता चल गया कि गेट के बगल में हमें क्या लगाना है, एडजेक्टिव लगाना, यही है ना, एडजेक्टिव लगाना है। अच्छा, गेट हमारा बदलता रहेगा, कभी गेट होगा, कभी गेट्स होगा, कभी गेटिंग भी हो सकता है, और कभी गॉट भी हो सकता है। तो अब मुझे बताइए कि हे देखो देखो उसकी शादी हो रही है, अब ही इज Getting married. देखो हम खाली गेट को बदलेंगे, एडजेक्टिव नहीं बदलेगा, गेट खाली बदल रहे हैं। अच्छा, उसकी शादी कल हुई, he got married, got married yesterday. उसकी शादी कल हो जाएगी, he will get married tomorrow. ठीक है, वो घायल हो गया, he got injured. ओके, तुम घायल हो जाओगे, you will get injured. तुम शायद घायल हो जाओगे, you might get injured. ठीक है, ये मॉडल जब सीखेंगे तो सीख ही लेंगे might भाई, ओके। वो घायल होने वाला था, he was about to get injured. मतलब दुनिया का कोई टेंस लगा लो, उस हिसाब से गेट लगेगा, इंजर्ड उसके बगल में, गेटिंग नहीं आएगा, गेटिंग इन टू, सो गेट ही आएगा, अबाउट टू में तो गेट आता है ना। अच्छा, अबाउट टू में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ये तो इन्फिनिटिव होते हैं। ओके जी, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म तो हम कह रहे हो बेस फॉर्म ही होता है एकदम, कभी डिस्कस करेंगे जी। तो गेट, ये परिवर्तन वाला गेट समझ में आया सबके? ओके, अच्छा कुछ एडजेक्टिव बिना थर्ड फॉर्म के हैं, जैसे वो नर्वस हो रहा है, तो he is getting nervous. इसमें कोई थर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं, he is getting nervous. ओके, फाइन गाइस। अच्छा, तो ये गेट का एक इस्तेमाल था, गेट के बहुत इस्तेमाल होते हैं। अब दूसरा गेट का मेरे साथ बोली क्या सर, मैंने एक सेंटेंस सुना, हाँ? I am getting they are early. हाँ, मैं आ रहा हूँ, वो अलग इस्तेमाल है। अब गेट का दूसरा इस्तेमाल सीखे, मुझे लगता है आज गेट खत्म ही कर देते, नहीं मजा आएगा। yes, sir. Yes, yes. गेट को समझते, तो पहले इस्तेमाल में कोई दिक्कत नहीं है तो? yes, sir. Okay. No, sir. Okay, ठीक है। तो गेट का जो दूसरा इस्तेमाल है, ये अंग्रेज जहां भी हम ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आना जाना, जैसे कि कम, यू नो, या गो, तो ये आने जाने में अंग्रेज आजकल गेट भी लगाते हैं, हालांकि बहुत पॉपुलर नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं शाम को 6 बजे घर वापस आता हूँ, तो पता है अंग्रेज ऐसे बोलेगा कि आई गेट बैक टू माई, ऐसे बोलेगा, आई गेट बैक टू माई होम एट 6 PM। क्या आपका जो था इसी में था, बोले तो अपना नीना जी,
आई एम गेटिंग देयर अर्ली. हाँ, तो अगर बंदा ऐसे बोल रहा है आई एम गेटिंग देयर अर्ली, यानी कि बहुत जल्दी वो वहाँ पहुँचने वाला है ना, पहुँचेगा, पहुँच रहा है एकदम बहुत जल्दी. तो गेट का मतलब वो जाना पहुंच रही हूं. हाँ वही, हाँ हाँ बिल्कुल. आई एम गेटिंग देयर अर्ली मतलब ये फ्यूचर को दिखाता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है बट बहुत जल्दी पहुँच रही हूँ, मतलब पहुँची नहीं है बस पहुँच रही. हाँ वो कुछ सेंस भी ऐसी. हाँ इस तरीके से. ओके अच्छा, ये हो गया आपका गेट. कई बार गेट आपका ऐसे भी होता है, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग अभी मस्ती कर रहे हो, अब आपका बंदा कहता है चलो 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 काम पे वापस आओ, काम पे वापस आओ, तो क्या बोलता है? गेट बैक टू वर्क. गेट बैक टू वर्क. गेट बैक टू वर्क. तुम्हें अपने काम पे वापस हो जाना चाहिए. यू शुड गेट बैक टू योर. गेट बैक टू वर्क. तो गेट का एक ये भी इस्तेमाल है. क्लास के अंदर जाने के लिए बोल सकते हैं गेट इनसाइड द क्लास. यस यस यस. तो ये आने जाने में समझ में आ गया? यस. अच्छा अब ये आने जाने के हिसाब से ही लाने में भी आजकल यूज होने लगा है ना, ब्रिंग. बहुत. यस सर, ब्रिंग. तो ब्रिंग में भी गेट का इस्तेमाल होने लगा. तो जैसे कि यार जरा एक ग्लास पानी ले आओ यार. गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. इस तरीके से सर. गेट बैक टू सीट आल्सो. गेट बैक. हाँ हाँ, वो तो गेट बैक ये हो गया ना, गेट बैक में हो गया ना. ये कहाँ गया? गेट बैक टू सीट. जैसे अपने सीट पे वापस जाओ भाई. Get back to your seat. Get back to your. Come in की जगह get in भी use करते हैं आजकल. अब मुझे बोलना कि चलो चलो अंदर घुसो, come on, get inside, you know? Get inside. चलो yes. कार में बैठो. Get into the car. Get. Get in. Get into the car. लेकिन वही बस पे चढ़ना है. Get on the bus. Get on the bus. बस के लिए on आता है. या ट्रेन पे चढ़ना है. Come on, get on the train. Get on, get off. हाँ, तो ये होता है. तो ये तो है. अब है कि गेट का इस्तेमाल ब्रिंग के लिए भी होता है. तो चौ किचन में जाओ और मेरे लिए ग्रीन चिली ले आओ. तो गो इनटू द किचन. ग्रीन चिली टू मी. गेट मी अ गेट मी सम ग्रीन चिलीज. गेट मी सम ग्रीन चिलीज. तो ये भी है. गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. चिलीज. तो ये भी हो गया आपका. गेट का चौथा इस्तेमाल है, ये अंडरस्टैंड की जगह यूज होने लगा. सर गेट मी अ कार होगा, मुझे दिलवा दो ऐसा कुछ. बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हो सकता है. जैसे कि हाँ मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ. यस आई एम गेटिंग यू. आई एम गेटिंग यू. मैं समझा नहीं. आई डिडंट गेट यू. या मैं समझा नहीं आपने जो कहा. आई डिडंट गेट. I didn't get you. What did you say? Are you getting what I said? Yes, got it. Okay, लोग तो ऐसे बोलते हैं, कुछ बोला फिर कहते हैं got it. चेहरे से क्वेश्चन मार्क लगा दिया. गॉट इट. इसका मतलब समझ गए. यस आई गॉट इट. मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ सर. आई एम ट्राइंग टू गेट इट. ओके. ये ऑडियो गया. इस ऑडियो का कुछ कीजिए आप लोग. रिकॉर्ड हो रहा है ना. अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हो रहा है. ओके फाइन. अच्छा कई बार ऐसा भी इस्तेमाल होता है. ये चौथा था ना, पांचवा देख लेते हैं. कई बार एक बच्चा अपने पापा से कहता है पापा पापा मुझे खिलौना दिला दो ना, यू नो. वहाँ भी वैसे बोलेगा कि डैड प्लीज गेट मी अ टॉय. गेट मी अ टॉय. तो ऐसे भी आप बात कर सकते हो. तो मैं कल तुम्हें खिलौना दिला दूंगा. I will get you a toy tomorrow. Get
ऑप्शंस फ्लावर इन इंग्लिश. तो ये भी गेट है. आपका गेट ऐसे भी होता है कि अगर आपने लाइफ में कुछ रिसीव किया, कुछ प्राप्त कर लिया ना, रिसीव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. जैसे आपने बोला कि आई गॉट अ पेन, यू नो आई गॉट अ पेन यस्टरडे, कल मुझे एक पेन प्राप्त हुआ, पेन मिला. या आई फाइंड की जगह भी यूज करते हैं. आई गॉट अ जॉब, यस. तो रिसीव में, फाइंड में, फाइंड. I got a prize. Yes, yes, बोल सकते हैं. I got a prize. Okay. I got increment. Yes. Sir, I got your letter. Is it right? I got क्या? I got something. Letter. I got your letter. I got your letter. इस तरीके से. I got increment. A good increment. Yes, yes. She got her salary. ये भी है. तो छठा इस्तेमाल हो गया. उसके बाद आप गेट का इस्तेमाल पॉजिटिव में भी कर सकते हैं. जैसे उसे पिटवा दो, गेट हिम बीटन. गेट हिम बीटन. ओके, मैं उसे पिटवा दूंगा. आई विल गेट हिम बीटन. गेट हिम बीटन. इस काम को करवा दो. गेट दिस वर्क डन. ओके ओके. इस कमरे को पेंट मत करवाओ. Don't get painted. तो ऐसे भी गेट लगा सकते हैं. बाकी कई इसको गेट के से कई फ्रेजल वर्ब्स होते हैं. गेट थ्रू. बहुत सारे वर्ब्स हैं. अब इसके तो ऐसे बोलना है. Too many phrasal verbs. इसको रटना पड़ेगा. इसको तो रटना पड़ेगा. Some phrases is fixed phrases. Most common get out. Yes, yes, yes. Get on. Get in. Get on. Get up. Get through. Get down. Get over. Get through. Get over, sir. Get over. Get rid of. ऐसे कई है गाइस. तो इसके लिस्ट आती है. देखिए भाई साहब गजब का शोर करते हैं आप लोग. माय गॉड. अच्छा, जिसकी ऑडियो से शोर होता है उसको पता नहीं रहता ना, ये दिक्कत. नहीं सर, पता चल जाता है. सर पता चल जाता है, बैकग्राउंड में आता है, पता चलता है. अच्छा, ओके, फाइन गाइस. तो इसकी तो लिस्ट है, वो तो लिस्ट निकल जाएगी. तो ये टोटल आपके टॉप गेट थे, जिसमें से ज़्यादातर गेट कौन सा यूज़ होता है. वही आई नो आई डिडेंट गेट यू, आई गॉट अ जॉब, आई गॉट हैप्पी, यू नो ये सब ज़्यादा यूज़ होता है. ही गॉट एक्साइटेड, ये सब यूज़ होता है. जी शालिनी, अंडरस्टैंड की जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये चेंज ऑफ स्टेट में यूज होता है. और कुछ बाकी तो वही है, गेट इन गेट आउट, ये नॉर्मली हम यूज करते हैं. कुछ मिल विल गया, कुछ पा लिया, ये सब यूज होता है. तो वो क्या शालिनी का सवाल था, थक गया क्या था. सुबह से यह बच्चा थक नहीं रहा डंडा पकड़कर खेलते हुए. ओके, अब सुबह से आ गया तो कैसे बोला. ही हैज नॉट बीन. हां बीन. ही हैज नॉट बीन गेटिंग टायर्ड. सिंस मॉर्निंग. व्हाइल होल्ड. While yes, holding the stick. Yeah, while playing with the stick, ये भी कह सकते. While तो पकड़े हुए ही कह रही है, actually खेलने को बनी बता रही. While playing. इसमें मैं present participle लगाता हूँ. While playing, holding a stick, ये आ सकते हैं आराम से. यहाँ प्लेइंग मतलब खेलते हुए, या होल्डिंग मतलब पकड़े हुए. व्हाइल प्लेइंग होल्डिंग ए स्टिक.
और नहीं तो while playing with a stick, यहाँ with भी लगा सकते हैं। सर, we can use the verb in side by side like playing or holding. In this, one is a participle or one is a नहीं दोनों दोनों वैसे कोई verb नहीं है, ये भी while के बाद ही आ रहा है, तो ये भी वैसे okay. खेलते हुए पकड़े हुए डंडा holding a stick. खेलते हुए पकड़े while playing holding a stick वो हम बोल सकते हैं। तो गाइस इस दिन ना कंजंक्शन भी कराइएगा, वो बड़ा यस 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 इशू है। ओके सारे ओके, आई गॉट यू फाइन। तो ये तो गेट था। अब एक सवाल था इनका कि टू हिम क्या क्या, कुछ रुनारा का कोई सवाल था कि ऐसा क्यों होता है। सर, कि कैन यूज टू एंड बिफोर प्रोनाउन We can use to. ठीक है, बस हो गया। ये क्यों है ऐसा? I went to him. देखिए, जितने भी prepositions होते हैं, preposition के बाद हम क्या क्या लगा सकते हैं? Noun. हम लगा सकते हैं pronoun जो कि objective form में होना चाहिए, और हम लगा सकते हैं gerund. और हम इसमें नाउन फ्रेज भी लगा सकते हैं। वैसे ज़्यादा डिटेल में बताऊँ तो नाउन फ्रेज लगा सकते हैं, ऐसे तमाम तरह की चीज़ें। तो अब बताइए कि मैं राम के पास गया, आई वेंट टू राम। राम यहाँ पर एक नाउन है, ये तो सबको पता है, यू नो, बिकॉज नाउन की परिभाषा क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। तो अगर मैं राम बार बार राम ना बोल करके, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ आई वेंट टू हिम। मैं राम को हिम तो कह सकता हूँ, yes, तो राम हमारा नाउन हो गया और हिम प्रोनाउन हो गया। ये रहा नाउन और ये हिम है हमारा। हम बोले आई वेंट टू राम हु इज द सन ऑफ दशरथ, तब वो नाउन फ्रेज बन जाएगा। तो आई करके देखते हैं, आई वेंट टू किसके पास में गया? राम के पास। आई वेंट टू राम यहाँ तक तो नॉर्मल था, आई वेंट टू राम, यहाँ तक तो एक नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट था, यू नो। लेकिन जैसे ये हु लगा, तो ये हु से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारा एक क्लॉज बन गया, इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि राम के बारे में बता रहा है। कौन राम? वही राम जो कि दशरथ के बेटे हैं। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया जो हम आगे सीखेंगे। तो इनके टू का जवाब मिल गया रुनारा? यस सर। ठीक है, तो बताओ। सर, आई हैव अ डाउट, कैन आई आस्क? प्लीज आस्क। आपने वो सेंटेंस बोले थे ना, आई वेंट टू हिम एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, तो सर इसमें स्टार्टिंग में ही आई लगा दिया, तो फिर जो एंड के बाद सर आई क्यों लगाया सर? हां, नहीं लगा सकते जनरली, नहीं तो एक ही है ना सर, बिल्कुल तो एक ही है, तो फिर तो एंड के बाद तो आई लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। हां, जनरली नहीं ही लगाना चाहिए, सबसे अच्छा है कि ना लगाए। ग्रामर तो यही बोलता है कि एक बार अगर लगा लीजिए फर्स्ट टाइम, तो सेकंड टाइम में एंड के बाद कोई भी कनेक्टर रहता है उसके बाद नहीं लगाते हैं ना। यस यस यस, एकदम ये करेक्ट है। I went to him and started talking. हम बार बार हम him, ये talking to him भी नहीं कह सकते, and started talking पे भी रुक सकते हैं। यहाँ भी रुकेंगे तो पता चल जाएगा कि उसी से बात कर रहा होगा, तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब नए बच्चों को सिखाना पड़ता है ना started, तो उन्हें अब मुझे यहाँ दिखाना पड़ता है सब्जेक्ट, और ना दिखाओ तो उनको लगता है सर क्या started लगा दी, क्या कर दिया, तो दिखाना पड़ता है। मैं वो नहीं पूछ रही सर, स्टार्टिंग में जब अपन आई लगाए ना, तो एंड के बाद फिर से आई लगाना वो करेगा या वो मिस्टेक होगा? वो नहीं लगाना चाहिए, करेक्ट ऐसे। सर, टॉकिंग टू हिम भी होता है, विद हिम भी होता है कि नहीं होता सर? टॉकिंग टू बोल सकते, विद भी बोल सकते हैं? बंद कर लो ऑडियो। हाँ, विद भी बोल सकते हैं, बट 99% टू ही बोलिए, विद ना ही बोले तो अच्छा है, हर जगह टू ही चलता है, कोई पर्टिकुलर ग्रामर का कोई नियम नहीं है। जैसे कि एक ऑडियो बंद कर ना लो, हाँ हाँ मत बोलो, ऑडियो बंद कर लो बेटा, मैं तो बोलता रहूँगा, तुम बंद कर लो। जैसे कि अगर एक यूज होता है ना कि नन ऑफ, नाम सुना है नन ऑफ? यस सर।
तो नन ऑफ के बाद कई बार मुश्किल होता है कि वर्ब हम सिंगुलर लगाएं या प्लूरल लगाएं। तो ग्रामर ने बोला है कि जो मर्जी लगा लो, कोई निश्चित नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि नन ऑफ दोज बॉयज, अब मैं कहता हूँ डैश 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 माई एनिमी, और यहाँ मैं दो ऑप्शन देता हूँ, इज या आर। तो लोगों को लगता है बॉयज है तो आर लगना चाहिए, ऐसे लगता है ना, नन की वजह से इज लगना चाहिए। तो अब ग्रामर ने कहा कि भैया इस पर आप दोनों लगा सकते हो, कोई बात नहीं। तो पेपर में ऐसा अब आता ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि अब ग्रामर खुद कह रहा है कि दोनों सही है, तो अब दोनों लगा सकते हो। ऐसे भी बोल सकते हैं कि नन ऑफ द बॉयज आर माय एनिमी, और आप इज भी लगा सकते हो। सर सर वी कैन नन नन बट हियर इफ इट इज काउंटेबल दैट्स वी कैन यूज प्लूरल, and if it is uncountable that we can use singular. लेकिन ग्रामर कहता है कि आप uncountable तो जिंदगी पर सिंगुलर रहता ही है, लेकिन जो मेन कन्फ्यूजन है ना कि यहाँ बॉयज तो countable है, तो इसके साथ आर लगेगा कि इज लगेगा। ग्रामर कहता है जी दोनों में से कुछ लगा, दोनों में से कुछ भी लगा। Those boys are my enemy. पूरी बात नहीं सुनी मुन्नी, क्या कह रहे हैं कि आर तो तुमको लग ही रहा है लेकिन इज भी गलत नहीं है। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो हर दुनिया को लगेगा कि आर लगेगा, बॉयज देख के आर नहीं लग रहा है, सबको लग रहा है। सर अगर हम हिंदी करें तो सीधा सा है कि उनमें से कोई भी लड़का मेरा दुश्मन नहीं है। हाँ जी, तो ग्राम में से कोई भी, मतलब सिंगुलर वाली एक फीलिंग सी आ रही है। यस, तो इसलिए दोनों ही सही है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि नन ऑफ दोज बॉयज इज माई एनिमी भी कह सकता है, गलत नहीं माना जाएगा ये। और जो अनकाउंटेबल है, मान लो कि बहुत सारे पैसे, मैं कहता हूँ कि नन ऑफ दिस मनी, नन ऑफ दिस मनी, तो मनी तो मनी है, इसमें तो कभी आर लग ही नहीं सकता है, तो ये तो इजी रहेगा। नन ऑफ दिस मनी इज योर्स, इनमें से कोई भी, मतलब इस पैसा में से नन कुछ नहीं है जो तुम्हारा है, नो नन, कोई भी अमाउंट तुम्हारा नहीं। ये मैं एग्जांपल बता रहा था कि ग्रामर जैसे इन दोनों को मानता है, उसी तरीके से टॉक के साथ टू भी है और विद भी है, लेकिन 99% हम किसको फॉलो करते हैं, टॉक के साथ टू को फॉलो करते हैं। और मैं ही नहीं, ज्यादातर लोग टॉक के साथ टू फॉलो करते हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो, उसके साथ बात कर रहे थे, आप साथ के चक्कर में विद लगाते हो, आप तो और हिंदी के हिंदी के डीप में घुस जाते हो, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। यस, एनीवेज, चलिए सर हम पेंटेड वॉल हैं जी, जिसे नए कलर पे पेंट होने में टाइम लग रहा है। यस यस, यही है। बाकी अंग्रेजी में चार चीजें अगर नियम से है तो बहुत सारी चीजें बिना नियम के हैं, वो रटना पड़ता है। दिक्कत यह है इंग्लिश के साथ, कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ ये रूल मैंने सीख लिया ये काम आएगा, हर जगह कन्फ्यूजन है। मतलब सोचो ना कि हम सीखते हैं कि अच्छा एप्पल आ गया तो हम लगाएंगे एन एप्पल, ये सीखते हैं ना, क्योंकि हमने बचपन में वही सीखा ना, ए ई आई ओ यू, यही सीखा। लेकिन जब बड़े होते हैं तो एम एल ए के साथ भी लगने लगता है एन, यू नो, अब समझाते रहो दुनिया भर। तो इससे ये पता चलता है कि हमें साउंड को फॉलो करना है, इन पांचों के चक्कर में नहीं रहना है, साउंड को फॉलो करना है। अब बचपन में हम साउंड नहीं सिखा सकते, तो बचपन में हमें यही सिखाना पड़ता है ए ई आई ओ यू, और बड़े होने पे फिर कुछ और झोलझाल है, तो कोई पर्टिकुलर नियम है नहीं। ठीक है गाइस, तो हमारा गेट हो गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें क्योंकि टाइम भी हो रहा है। सर 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 बिलोंग इज नॉन कंक्लूसिव पार्ट, सो we cannot use belonging, but sometimes if I say I am belonging in a joint family, in a joint family, is it right or wrong? चलिए देखिए, I belong in a joint family. सबसे पहले तो मैं तो इनका टोन एक्सेंट सुनता हूँ तो पहले मुझे हंसी आती है। ठीक है, टोन एक्सेंट तुम सुधारो भाई रुनारा। जब भी बोलती है ऐसा नहीं लगता इसके मुंह में कुछ भरा हुआ है, है नीना जी, साफ नहीं आता, क्लियर नहीं। मुझे तो सही बताओ, मुझे तो बहुत बार समझ ही नहीं आता। रुनारा तुम्हारे मुंह में क्या रहता है? ध्यान से सुनती हूँ हमेशा रुनारा को। मेरे इतने सारे स्टूडेंट बंगाल से हैं, अभी देखो ये सुमन भी तो बंगाल से है, तो एकदम मस्त क्लियर क्रिस्प साउंड करता है। हां सुमन की वॉइस ठीक है, सुमन रुनारा के साथ ऐसा क्या दिक्कत? सर मे बी डीप कोई एरिया होगा वहां का। चलिए मैं बिलोंग समझा दूँ। ओके, बिलोंग में दिक्कत है कि बिलोंग में आईएनजी नहीं लगता है। ओके, बिलोंग प्लस आईएनजी को ग्रामर नहीं मानता, मतलब ये हो जाएगा रॉन्ग।
तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इस फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ, ये हिंदी भी खराब है, यू नो। तो हमें क्या बोलना है, बिलोंग करती हूँ। और बिलोंग टू दिस फैमिली, और बिलोंग के साथ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग क्या गलती करते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, वो गलत है। बिलोंग के साथ क्या लगता है, टू लगता है, एकदम परमानेंट फिक्स्ड है इसका। तो आई बिलोंग टू, मान लो ज्वाइंट फैमिली, क्या है, ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली। तो आई बिलोंगिंग टू ज्वाइंट फैमिली मत बोलना, ये गलत हो जाएगा। आई एम बिलोंगिंग टू, ये गलत। सर कल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, एक सेंटेंस आया था, आई एम मिसिंग यू, तो ये सही है या आई हैव बीन मिसिंग यू? अगर मिसिंग यू कब से, अभी तुरंत बंदा मिस कर रहा है तो हैव बीन लगा दो ना, क्या दिक्कत है, दोनों चलेगा ना। अगर आपने बोला आई हैव बीन मिसिंग यू, अरे मुन्ना सुनो मेरी बात, अभी सुबह सुबह ये जो क्या बोलते हैं इनको, झब्बा झुब्बी डब्बा डुब्बी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है, अब्बा उब्बी, क्या नाम है इनका, तो ये सुबह सुबह मिले, बड़ा अच्छा इनका नाम था, निब्बा निब्बी, क्या था, निब्बा निब्बी, यस सर, निब्बा निब्बी सर, हाँ कुछ फेमस हुआ था ना। तो ये जो निब्बा निब्बी है, ये अभी सुबह मिले थे, अब रात को फिर ये लोग बकवासबाजी कर रहे हैं, बाबू सोना कर रहे हैं, खाना खा लिया और पानी पी लिया कर रहे हैं, और फिर ये कह रहा है कि सुनो ना आई एम मिसिंग यू, आई एम मिसिंग, तो आई एम मिसिंग बोलेगा, हैविंग क्यू, अभी तो दिन में मिल करके आया था, तो क्या बोलेगा ये, आई एम मिसिंग यू। ये रजाई में घुस करके विस्परिंग करके जो बातें करते हैं निब्बा निब्बी, ये आई एम मिसिंग यू बोलेगा। हैव बीन क्या होता है, लंबे समय से बंदा मिला नहीं, हो काफ़ी दिनों से मिस कर रहा है, तो क्या बोलेगा, ए आई हैव बीन मिसिंग यू यार। या कोई बंदा ये जानबूझ के दिखाए कि देख सुबह से तुझे लगातार मिस कर रहा हूँ, यू नो, ये दिखाए टाइम पूरा दिखाए, तो फिर उसकी मजबूरी होगी, क्या बोलेगा, आई हैव बीन मिसिंग यू सिंस मॉर्निंग। बट सर माई क्वेश्चन नॉट नथिंग लाइक दैट, माई क्वेश्चन इज हम लोग जैसे यूज नहीं कर सकते आई हैव बीन नोइंग, क्योंकि नोइंग तो नोइंग नहीं होता, नोन होता है, नोइंग नहीं होता, जैसे कि मिसिंग का मिस का मिसिंग नहीं होता, मिस हो सकता है, तो मैं यही पूछ रहा था आई हैव बीन मिसिंग सही है अगर, दैट आई नो, आप आराम से उसको बोल सकते हो। देखो जैसे कि वांट का वांटिंग नहीं होता है, ये जो कह रहा है मैं समझ रहा हूँ, वांट का वांटिंग नहीं होता है, लव का लविंग नहीं होता है, उसी तरीके से बिलोंग का बिलोंगिंग नहीं होता, उसी तरीके से जो अंडरस्टैंड है इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, ये है, लेकिन मिस का होता है, ये यूज होता है। जैसे आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको एक चीज बता दूं, जैसे एक वर्ड है थिंक, तो ये थिंक है, इसके दो वर्जन होते हैं, एक वर्जन में थिंक का थिंकिंग नहीं होगा, रॉन्ग, और एक वर्जन में थिंक का थिंकिंग होगा, मैं कारण बताता हूँ कैसे, ये है करेक्ट। तो हम ये नहीं कह सकते थिंक है तो आई एन जी नहीं लगेगा, जैसे अगर थिंक का मतलब है लगना, यू नो, लगना मतलब अंदाजा, ये मतलब मुझे फील होता है, अगर थिंक का मतलब लगना है, फील होना है, जैसे यार मुझे लगता है वो पागल है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई थिंक इज मैड, इज मैड। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि मुझे लग रहा है वो पागल है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि आई एम थिंकिंग ही इज मैड, ये गलत हो जाएगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन अगर थिंक का मतलब आ गया सोचना, थिंक का मतलब सोचना, सोचना मतलब मल ओवर, मतलब पॉन्डर, अगर ये वाली फीलिंग है, तो आप आराम से बोल सकते हो कि मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, आराम से बोल सकते हो। उसी प्रकार अगर एक वर्ड है स्मेल, तो स्मेल में आई एन जी नहीं भी लगता और लगता भी है, दिक्कत ये है, तो अगर आप स्मेल का स्मेलिंग बोलोगे एक जगह तो रॉन्ग हो जाएगा, अब वही एक जगह आप स्मेल का स्मेलिंग बोलोगे तो करेक्ट भी हो जाएगा, ये करेक्ट भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर आपके हाथ में कोई फ्लावर आ गया, कोई फूल आ गया, और मैं कह रहा हूँ यार ये बहुत अच्छा महक रहा है, ये बहुत अच्छा महक रहा है, अगर हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते इट इज स्मेलिंग, गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ इट इज स्मेलिंग बोलेंगे तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। मुझे क्या बोलना होगा, इट स्मेल्स। क्या करो, अच्छा लेकिन स्मेलिंग कब होगा, जब एक इंसान किसी चीज को स्मेल करे, इंसान है उसके पास नाक है वो स्मेल कर रहा है, तब वो कह सकता है कि आई एम स्मेलिंग इट।
तो इस तरीके से मिस में भी वो है और फेल में भी है। थैंक यू सर, बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया। थैंक यू। जी जी जी। एनीवेज, और इसका मैंने कहा ना, ये लिस्ट आती है, और अभी मैं बॉलीवुड स्टार को बताता हूँ, ये लविंग भी कहते हैं, ये वांटिंग भी कहते हैं, ये भी कहते हैं आई एम लविंग इट, यू नो, ये वांटिंग भी कहते हैं कि आई एम वांटिंग, और मैंने इनके मुंह से अंडरस्टैंडिंग भी सुना है, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये सब यूज करते हैं, बट आई एम बिलोंगिंग आज तक नहीं सुना है, ये तीनों तो खूब सुना है, और लविंग पे तो शायद मैकडोनल्ड ने निकाल भी दिया ना, आई एम लविंग इट, कहीं है ना प्रचार आता है, मैगडी में है ना, मैंने सर एक गाना सुना था, शी डोंट नो, अरे इतना बहुत फेमस गाना है, बताओ ये लोग शी डोंट नो कहते हैं, अभी कहां से शी के साथ डोंट होता है, अब पूरा गाना चला हुआ है, शी डोंट नो, पूरा गाना है शी डोंट नो, शी डोंट नो, तो मैंने कहा ना कि बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बस बर्दाश्त करो, चलने दो जो चल रहा है, अपनी अंग्रेजी बस सही रखो। एनीवेज गाइस, ज्यादा वक्त नहीं है, अब देखते हैं कि ये रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, हुआ हुआ हुआ। ओ गॉड, हाँ जी, कुछ हो रहा है? यस सर, गेट टू क्लियर हो गया। अच्छा हाँ, वो रह गया, वो अभी वो टाइम हो गया ना मुझे। हाँ हाँ, कल कर लेंगे, आज करना ही, कल कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ठीक ठीक है, अच्छे आमी जाच्छी, ठीक है, अच्छे ओके सर, ओके ओके ओके, बाय गाइस।